हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्या मिल इलेक्ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ एमसीबी के बारे में, कौन सा एमसीबी कहां पे लगानी चाहिए। तो इस वीडियो में पांच तरह के एमसीबी हम बताएंगे कि कौन से एमसीबी कहां पे लगानी चाहिए। दोस्तों, घरों में बहुत तरह का उपकरण है, तो उस उपकरण के हिसाब से एमसीबी बनाया गया है। तो कौन से एमसीबी कहां पे लगाना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप यहां पे देखें, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप, ये पांच तरह के एमसीबी है। तो ये कहाँ पे लगाएंगे जो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। दोस्तों, अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग एमसीबी लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं जो कि नहीं मालूम है उनको कौन सा टाइप के एमसीबी कहाँ पे लगाते हैं, और आपको इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो देर ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं बी टाइप के एमसीबी हम कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बी टाइप के एमसीबी हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे वर्क करेगा और कैसे ट्रिप होगा, ठीक है। ये कितने पे ट्रिप होगा, क्या इसका कैपेसिटी है, ठीक है, इस वीडियो हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यह एमसीबी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एमसीबी है घरों में, ठीक है। घर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस एमसीबी को। और ये एमसीबी अपने घर में पैनल लगा रहे हैं तो ये एमसीबी जरूर लगे बी टाइप का घर में, ठीक है। बी टाइप के एमसीबी का कैपेसिटी का 3 गुना से लेकर 5 गुना करंट अगर ज़्यादा होता है तो यह 0.4 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। ये एमसीबी 0.4 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी, इसका यह फ़ायदा है। और सी टाइप के एमसीबी के बारे में जानते हैं। अगर सी टाइप के एमसीबी हम लगाते हैं तो यह एमसीबी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली एमसीबी है, यूज होने वाली, ठीक है, एमसीबी है। यह घर में भी यूज कर सकते हैं और इसको कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। यह तो खास करके एसी इंडक्शन मोटर के लिए बनी है, लेकिन हम इसको घर में भी यूज करेंगे और कंपनियों में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो यह जान लेते हैं ये ट्रिपिंग का क्या इसका कैपेसिटी है। दोस्तों, ये 5 से लेकर 10 गुना करंट निकलता है अगर ज़्यादा, तो 0.04 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में यह ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए घर में भी यूज कर सकते हैं इस एमसीबी को, और आप फैक्ट्री कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। और मोटर अगर लगाते हैं इंडक्शन मोटर तो उसमें भी ये यूज कर लेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं डी टाइप के एमसीबी के बारे में, डी टाइप के एमसीबी कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे भी पूछा जा सकता है डी टाइप के एमसीबी कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको बोलना है यह एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट बार बार कम ज़्यादा हो रहा हो। उदाहरण के लिए आप वेल्डिंग मशीन ही समझ लीजिए, ठीक है। और क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक रुक कर चलती है, इसके लिए हम डी टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। और इस डी टाइप के एमसीबी का ट्रिपिंग देखा जाए तो 10 से 20 गुना करंट निकलता है, तो यह 0.04 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में ही यह एमसीबी ट्रिप हो जाती है। उदाहरण के लिए आप वेल्डिंग मशीन, एक्सरा मशीन, ठीक है, समझ लीजिए, जो कि अस्पताल में यूज होता है ज़्यादातर। दोस्तों, आपको डी टाइप के एमसीबी के बारे में एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। ये इस टाइप के एमसीबी को आप कभी भी अपने घरों में ना लगाएं, क्योंकि आपके घर का जो भी उपकरण है, जो भी उपकरण है, उसका ये सुरक्षा देने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिप ही नहीं होगा, ये हाई फ्लक्चुएटिंग करेंट वाले उपकरण के लिए बनी है, ठीक है। तो ये कभी भी अपने ये घर में ना लगाएं इस तरह का एमसीबी। अगर डी लिखा हो उस पे, D32 या कोई भी एम्पियर लिखा हो, तो वो आप ना लगाएं। अभी हम लोग जानते हैं के टाइप के बारे में, के टाइप के एमसीबी हम कहाँ पे यूज करेंगे। अगर के टाइप के आपके पास एमसीबी है तो कहाँ पे यूज करेंगे, इसके क्या ज़रूरत है, ठीक है। यह एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ये बहुत एक्टिव एमसीबी है, ये बहुत कम टाइम में ट्रिप हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के एमसीबी में कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है, तब यह मात्र 0.01 सेकेंड में ही, कम समय में ही ये ट्रिप हो जाती है। मतलब 1 मिली सेकेंड में से भी कम समय में ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यह एमसीबी सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त। यह एमसीबी इस तरह ट्रिप होता है, ठीक है। और हम लोग जान लेते हैं जेड टाइप के एमसीबी के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट जरूर करें आपकी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। यह एमसीबी के बारे में हम लोग जानते हैं जेड टाइप के एमसीबी के बारे में। यह एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी समय, कम समय में ट्रिप हो जाती है। यह साथ साथ काफ़ी छोटे फॉल्ट को भी सेंस कर लेती है, इसीलिए हाई सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। जैसे कि आपको बता दूं कि यह
टू से थ्री गुना करंट निकलता है तब यह MCB 0.01 सेकंड से भी कम समय में ट्रिप हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक जरूरी बात बता दूँ आपको, जेड टाइप का और के टाइप के MCB जो है आप अपने घरों के लोड के लिए आप यूज ना करें, ठीक है दोस्त, ये वहाँ पे काम नहीं करेगी। इसको वहाँ पे यूज करना है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करंट भी आपको इक्विपमेंट को या आपको उपकरण को नुकसान पहुँचाती है, आप वहाँ पे यूज करें, जैसे लैपटॉप हो गया, ऑफिस एरिया में, डाटा एरिया में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे बी लिखा B32, ऐसे बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, डी लिखा रहेगा, के लिखा रहेगा और जेड लिखा रहेगा, वहीं पे आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप टाइप ऑफ MCB से जुड़े कई सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप अभी भी कोई सवाल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर ले, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और दोस्तों MCB के बारे में और भी वीडियो जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।